न्यूज फटाफट की शुरुआत अगत्यना समाचारों की करिए। दिल्ली ना इंडिया गेट पर आवेली अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल मशाल में थयो विलय। 50 वर्ष जूनी परंपरा में फेरफार कर इंडिया गेट की जगह हवे मात्र राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति प्रगट छे। दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापन कराशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ट्वीट कर जानकारी आपी। वडाप्रधाने कहा कि नेताजी की ग्रेनाइट की बनेली भव्य मूर्ति स्थापन। उत्तराखंड भाजपा सस्पेंड करायेला हरक सिंह रावत कांग्रेस में जोड़ाया। हरीश रावते पहराव्यो कांग्रेस नो केस, कहू भाजप मने यूज एंड थ्रो समझी रही थी। तो उत्तर प्रदेश चूंटणी प्रचार ने लईने भाजपे लॉन्च कर्यू थीम सॉन्ग। सीएम योगी दाव कर्यो कि अमारी सरकारे 43 लाख गरीबों ने आप्या नवा मकान। यूपी विधानसभा चूंटणी में कांग्रेस सीएम चेहरो प्रियंका गांधी हे। चूंटणी मेनिफेस्टो जाहिर करता समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पाड्रा सीएम पदना उम्मीदवार प्रश्नों जवाब आपता कहू कि यूपी कांग्रेस में दरेक जगह मारो चेहरो ज देखाई रो छे, तमे कोई अन्य चेहरो जुओ छो। उत्तर प्रदेश की चूंटणी में आज कांग्रेसे खास युवाओं माटे जाहिर कर्यो घोषणा पत्र। 20 लाख युवाओं ने रोजगारी आपवानी साथे 5 लाख रूपया लोन 1% व्याजे आपवा सहित कर्या वायदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहू कि अमे युवाओं साथे बातचीत करीने घोषणा पत्र तैयार कर्यो छे। प्रधान नरेन्द्र मोदी फरीथी बन्या विश्वना लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंसे करेला सर्वे में 13 नेताओं में वडाप्रधान मोदी 71% रेटिंग साथ पहला नंबर पर। यादी में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन 43% रेटिंग साथ छठा नंबर पर। वधता संक्रमण वधारी राज्य सरकार की चिंता। सीएम निवास स्थान एक कोर कमिटी की बैठक। आंकड़ा प्रतिबंधों की जाहरात की शक्यता। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी सोमनाथ सर्किट हाउस कर्यू वर्च्युअली लोकार्पण। रूपया 30.55 करोड़ खर्चे तैयार करायू छे अद्यतन अतिथि गृह। नवनिर्मित सर्किट हाउस खाते अरबी समुद्र और सोमनाथ मंदिर परिसर नजारो माणी शकाशे। लोकार्पण दरमियान वडाप्रधाने कर्यू संबोधन। संबोधन में कहू महादेव की कृपा थी विकास कार्यो थई रह्या छे। सोमनाथ प्रवासन केन्द्र बनशे। बहार थी आवता लोको माटे उत्तम सुविधा हशे। अतिथि गृह पर्यटन योगदान वधु होवानुं पण वडाप्रधाने कह्युं। सुप्रसिद्ध सोमनाथ में नवनिर्मित अतिथि गृह लोकार्पण कार्यक्रम ने प्रधान पुरनीश मोदी दीप प्राग्ट्य कर खुल्लो मूक्यो। आ समय सीएम भूपेन्द्र पटेल वर्च्युअली जोड़ाया। पाटण सहित अनेक जिलाओं में खातर की अछत खेडूतो परेशान। कृषि प्रधान राघवजी पटेल नो दाव कहो खातर की नहीं तंगी पूरता प्रमाण में जत्थो उपलब्ध। गुजरात में 2 दिवस बाद कातिल ठंडी वधु एक राउंड प्रारंभ। लघुत्तम तापमान 5 डिग्री थी वधु ककड़शे। मोटा भागना जिलाओं में मावठानी शक्यता। खेडूतों की चिंता में वधारो। राज्य में आगामी 2 दिवस में कमोसमी वरसाद आगाही। अमदावाद में रहेशे वरसादी माहौल। मोटाभागना विस्तारों में रहेशे धुम्मस भर्यु वादळछाव वातावरण। राज्यना महसूल प्रधान राजेन्द्र त्रिवेदी कोरोना से संक्रमित थया। रिपोर्ट पॉजिटिव आता थया होम आइसोलेट। सोशियल मीडिया पर पोस्ट मूकीने आपी जानकारी। अमदावाद में कोरोना संक्रमण वधवाने कारणे कोविड टेस्टिंग किट वेचाण में थयो वधारो। दररोज वेचाई रही है 15,000 थी वधु किट। लोग घरे टेस्ट करता होवाथी आंकड़ा सरकार सुधी पहोंचता नथी। राज्य में नवी शिक्षा नीति ने लईने सरकार की कवायत। शिक्षण नीति सूचनों माटे बनावायेली कमिटी की भलामणों स्वीकार। आगामी समय में स्नातक डिग्री विद्यार्थीओ पण बदली शकशे स्ट्रीम। एक सरखा अभ्यासक्रम पर महोर। गांधीनगर में भाजपे जाहिर करी कोर ग्रुप की कमिटी। भाजप अध्यक्ष सीआर पाटिल की अध्यक्षता में कोर ग्रुप में 12 सभ्य। सीएम भूपेन्द्र पटेल संगठन महामंत्री रत्नाकर शिक्षण प्रधान जीतू वघाणी समावेश। गुजरात भाजपनी पार्लामेंटरी बोर्ड पक्षना बंधारण और नियम प्रमाण बन्यु होवानु प्रदेश प्रवक्ता यमन व्यासे जणाव्यु। कोर ग्रुप में तमाम सीनियर आगेवानों ने स्थान अपायो होवानु कहु। तेमज छेल्ला 6-7 पार्लामेंटरी बोर्ड में पण आज बंधारण थी सभ्यों की निमणूक थती होवानु आप्यु निवेदन।
भाजपे बनावेली कोर कमिटीमां वडोदराना बे नेताओनो समावेश प्रदेश भाजपना महामंत्री भार्गव भट्ट अने सांसद रंजन भट्ट ने अपायो स्थान भाजप प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल की अध्यक्षता में 12 नेतानी समितिनुं थयुं गठन मधु श्रीवास्तव आपशे राजीनामु गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीजना चेरमेन पदेथी राजीनामु आपशे मधु श्रीवास्तव पार्टीना आदेशनो स्वीकार करता कमलममां जईने पद छोड़शे मधु श्रीवास्तवे कहू नवयुवानोने तक मळवी जोईए महिला आयोगना अध्यक्ष लीला अंकोलियाए पोतानो कार्यकाळ पूरो थई जवानी करी जाहेरात तेमणे कह्युं के हुं सौथी वधु 3 टर्मथी महिला आयोगनी अध्यक्ष रही छुं संगठन हवे जे जवाबदारी आपशे तेने स्वीकारीश अमदावादमां बिस्मार रस्ता रखड़ता ढोर अने ट्राफिकनी समस्या मुद्दे हाईकोर्टमां सुनावणी नागरिकोनी समस्या बाबते जीएसएलसी એમાં ફરિયાદ કરવા કોર્ટ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરશે આણંદના દૂધ સંઘમાં ઘરમાં રાજકારણ ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘ અમૂલ ડેરીના નિયામકોએ પશુપાલકોના 28 કરોડ રૂપિયા નિયમ વિરુદ્ધ ખર્ચ્યા હોવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું ગેરરીતિ મામલે કો ઓપરેટિવ રજિસ્ટ્રારે ડેરીના નિયામકો પાસેથી નાણાં રિકવર કરવાના આપ્યા આદેશ કોંગ્રેસ નેતા અર્જુન મોટવાડિયાએ કોરોનાથી થયેલા મોત મુદ્દે રાજ્ય સરકાર સામે સવાલ ઉઠાવ્યા કહ્યું ગુજરાતમાં 3 લાખ લોકોના કોરોનાથી મોત થયા તેમના પરિવારોને 4 લાખ રૂપિયાની સહાય મળવી જોઈએ તેને બદલે માત્ર સરકારે 50,000ની સહાય આપી કોંગ્રેસ નેતા વિક્રમ માધવે કોરોના મુદ્દે યોજી પત્રકાર પરિષદ કહ્યું સરકારે મૃત્યુઆંક 10,000 દર્શાવ્યો છે પરંતુ 58થી વધારે સહાય અરજી કરાય છે મંજૂર મૃત્યુઆંક છુપાવવામાં પણ નંબર 1 રહ્યું ગુજરાત કોરોનાના મૃતકોના આંકડા છુપાવવા બાબતે ભાજપનો બચાવ ભાજપ નેતા ડોક્ટર ઋત્વિજ પટેલે કહ્યું કે કોંગ્રેસ કોરોના મૃતકો મામલે રાજકારણ કરી રહી છે જે યોગ્ય નથી ભાજપ સરકારે કોરોના મૃતકોના પરિજનોને સીધી સહાય આપી છે તેમજ સરકારે તમામ યોગ્ય પગલાં ભર્યા હોવાનો કર્યો બચાવ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસે ઉભાડો મચાવ્યો વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે શહેરમાં ગંદકીને લઈને કર્યો વિરોધ મેયરની ઓફિસ બહાર જ લગાવ્યા પોસ્ટર અમદાવાદ કોર્પોરેશન બીયુ પરમિશન ફરજિયાત કરશે તો શહેરમાં આવેલી 500 હોસ્પિટલ બંધ થવાની શક્યતા 440થી વધુ હોસ્પિટલ પાસે બીયુ પરમિશન ન હોવાનો દાવો આંકે એમસીના અધિકારીઓ રહા બોન તો બીજી તરફ સ્ટેટ વિભાગના અધિકારીઓ બીયુ અંગે ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોવાનો વિપક્ષે કર્યો આક્ષેપ સુરતના બારડોલીમાં રેલવેની હદમાં આવેલા મકાનોના દબાણ હટાવાયા 120 જેટલી કેબિન અને ગલ્લા તોડી પાડવામાં આવ્યા રેલવે વિભાગે અગાઉ નોટિસ આપ્યા છતાં પણ દબાણ ન હટાવાતા અધિકારીઓએ કરી કાર્યવાહી